ਸਲਾਮ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ? ਜੇ ਫਾਈਲ ਲੱਭੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਰਾ ਦੱਸੋ ਸਾਹਿਬ। ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਫਾਈਲ ਰੈਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਓ, ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਫਾਈਲ ਆ, ਕੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ ਆ, ਵਰਕੇ ਕਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ? ਵਰਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਰਨਿੰਗ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। शनाख्ती कार्ड लैके जाओ, वो आप ही स्टिकर सारा जो कुछ भी करना है वो आप ही कर देंगे। शनाख्ती कार्ड दो फोटो कापियां लैके जानियां ने उत्थे, वो तुहानू लर्निंग जिहड़ा लाइसेंस उस टाइम इशू करके दे देंगे। वीडियो हम चलने फिर जाके वेखने वाकई गल हकीकत है कि नहीं। यह फाइल का सही के प्रोसीजर ये किवें तैयार करी दी? दो फार्म लै के ना पहले उन्होंने फिल करके जमा कराई जाए, उसे अपनी फोटो कापी लाई दी है। अच्छा, ना शनाख्ती कार्ड की फोटो कापी लाई दी है, उसके बाद उन्होंने जमा कराई दी है। वो फिर साड़ी पिक्चर लेंदे ने, नाल साड़े जिहड़ा ना लेंदे ने थंब ते फिंगर लेंदे ने, उसके बाद लर्निंग दे देंदे ने। क्या की डॉक्यूमेंट? खत्म हो गया हूं, चलने जाके वेखने। मेरा दिल चलो किसी बहाने मैं भी कटवा ला, जो बनता होना दिल दिया पैसे दे के बनवाई है, लेकिन मेरा दिल है जरा लीगल प्रोसीजर है उन्होंने फॉलो करके जरा कोई ट्राई दिए, जो ना बने तो उस बाद चलो दूजा बंदा सोचता है। अभी पहले सोचे आता वो कुछ बनता ही नहीं है, तो पैसे दे के बनता है। चलो वेखने जाके पहली गल तो जी आई जी साहब की वीडियो है वो वेखने, वो आके उस तरह गल है वे कि नहीं है, फिर इशारा थोड़े तो शेयर करते हैं। अल्लाह। अच्छा, हूँ असं एक बार हथ फ्री हो गया तो बाकी सारी डिटेल जी जाके आफिस शेयर करने के किस तरह काम होया है, के प्रोसीजर है, वो सारी डिटेल जाके जरा ना ऑफिस द्वारा शेयर करने इंशाल्लाह। अच्छा, असं हूँ लाइसेंस बनवा के वापस आ गए ऑफिस में, उत्थे सारी वीडियो नहीं बना, सारी डिटेल शेयर नहीं कर सकते क्योंकि थोड़ी गर्मी भी आई, नाले ऑफिस में जाके आराम नाल बैठ के जरा तुहाडे नाल डिटेल जरा ईजी हो के जरा सारी डिटेल तुहाडे नाल शेयर की जाए। कि वाकई जिस तरह आई जी साहब ने अपने वीडियो किया है उस तरह ही लाइसेंस लर्निंग बन रहे हैं या कुछ चेंजिंग है वे? इतों जरा वे मैं अपने आई डी कार्ड दियां दो फोटो कापियां करा के असं गए हैं उत्थे। उत्थे जरा वे पहले वो काम कर रहे थे हुरम भाई का, जरा इन्हों का रिन्यूअल केस आया, तो मेरा जरा फस्ट टाइम लर्निंग केस आया। हुरम भाई ने जरा जाद्या साल लगे एक लड़का खलिया थी, उस बाद जरा हुरम भाई उन्होंने फिंगरप्रिंट वगैरह लैके इन्हों उन्होंने क्लीयर कर दिता जी, तुम क्लीयर हो गए हो। मेरा जरा वे उन्होंने आई डी कार्ड जरा अपने को रख लिया, ये भी चीज़ जरा मैं उन्होंने थोड़ा पसंद आई है क्योंकि पहले उन्होंने को ऑलरेडी मेरे तो अगे जरा चार पांच केस जड़े ने जमाए जिन्हें जरा ना वो फीडिंग अपने कंप्यूटर कर रहे थे लर्निंग की। अगर दूसरा तरीका तो यह आया कि जिस तरह बंदा जाए वो उत्थे वेटिंग लैन वाइज जरा खड़ा हो जाए, अगर उस तरह बंदा खलोवे तो जरा ना अगर भी पच्ची मिनट इंतजार करना पवे तो वह बड़ा ज्यादा जरा लगता बंद कि बहुत ज्यादा इंतजार है। ये भी उन्होंने एक अच्छी कह लो कि तरतीब जी है उन्होंने मेरा आई डी कार्ड लैके जरा उसे रख लिया वे। बाकी मेरे तो अगे जे असी आराम जरा पिछे जाके बह गए हाँ, मेरे तो अगे जो तीन चार केस आए वो उन्होंने अपने कंप्यूटर की फीडिंग की है, उस तो बाद मेरी बारी आई है। तकरीबन अद्धा घंटा 30 से 40 मिनट जरा सानू उ वेट करना पे, उस तो बाद उन्होंने मैं बुलाया वे, पिक्चर लई है, फिंगरप्रिंट लेने, मोबाइल नंबर लिया वे, तो उन्होंने मैं जरा लर्निंग प्रिंट जोड़े ने कर दते हैं। प्रिंट जड़े ने लर्निंग दे वो सम टाइम जरा उस टाइम ही कढ़ देंगे ने, ते सम टाइम जरा वे उस टाइम नहीं मिलते हैं। हुरम भाई जरा उस टाइम प्रिंट नहीं मिले, वजह है वे कि उन्होंने जरा काम जिस तरह कर रहे थे उन्होंने तो अं एप्रीशिएट करने, लेकिन जितू उन्होंने मार पैंती है जिसकी वजह तो प्रिंट उस टाइम तो नहीं वो दे सके है। जो सिस्टम ने सू नहीं पता वो के ना है, कोई सिस्टम की कमजोरी है उन्होंने जरा प्रिंट ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਉਸ ਜੜੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਜੜੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਫੀਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆਲ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਹੁਰਮ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਰਾ ਵਾਹ ਵਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ?
सिर्फ आई डी कार्ड दो फोटो कापियां जो लै गए इस तरह कोई डॉक्यूमेंट नहीं सी दसो लाइसेंस कार्ड चार पेज ने लर्निंग लाइसेंस देना एक मोटरसाइकिल का लै दिया कार का लै दिया अपने को मैं सिर्फ 200 रुपया दिता आई डी कार्ड अपना ओरिजिनल दिता है दो नाल फोटो कापियां दित्तियां ने मेरी उन्होंने फिटिंग करके लर्निंग लाइसेंस जिहड़ा उन्होंने मैं प्रोवाइड कर दिता वे इतों तक जिहड़ा ये बहुत अच्छी गल आई जी साहब का शुक्रिया अदा करने कि उन्होंने इनू आसानी वाल लिया वे तो सानू भी चाहिए अगर एक चीज़ आसानी वाल आई है तो असं भी कोशिश करिए कि उस चीज़ को लीगल तरीके जो असं भी हासिल करिए हासिल करके जरा असी ड्राइविंग करिए असं जरा अपलाई किया वे हिदमत मरकज बलवाल पुलिस स्टेशन जरा वे उतु जरा अं अपलाई किया वे तो इन्हों माशाला सर्विस अच्छी है अप्रीशिएट करने इन्होंने भी तो आई जी साहब न भी इनशाला पार्ट टू का इंतजार करो जेकर लाइसेंस मिल जाता तो वह भी डिटेल शेयर की जाएगी। फोरम भाई का कहना है वे कि पैसों तो बगैर काम नहीं आता है तो मैं क्या असं करके तो वेखिए असी करते भी कोई नहीं है ये भी गल ठीक है पर बहर के मुल्क में जरा असं दो लाख रुपया लाने लाइसेंस उस बाद भी अगर फेल होने दोबारा ट्राई देने फिर पैसे देने ट्राई दी फीस है वे ट्राई की फीस वगैरह भी इतिहास कोड़ी मामूली 200-400 जरा होंगे वही होंगे अगर फेल हो जाओ तो फिर दोबारा ट्राई दे लो मतलब ट्राइया का कोई खास खर्चा को नहीं है असं वैसे ही जो जरा अपने आप की आसानी वास्ते जरा दोबारा नहीं करते है वह चलो उत्थे जाना पवे ट्राई देनी पवे हुण मेरा लगे बहरीन का जरा लाइसेंस उत्थे कार का लाइसेंस जरा बने आवे उहदे हत्थ तरीके कर आवे कि मैं उत्थे जांदा इस्लामाबाद जांदा ड्राइविंग स्कूल विच उत्थे मैं एक दिन गया भी सी मैं तो वैसे अपने काम गया तो फिर मैं कहा चलो चलने उत्थे अगर बना दें चेंज कर दें तो अच्छी गल है लेकिन चेंज वो कोई नहीं करते है वह भी बकायदा ट्राई देनी पैंदी है तो उस टाइम उन्होंने रिक्वायर्ड किया पासपोर्ट मेरा ख्याल है ओरिजिनल पासपोर्ट होना जरूरी है हालांकि मेरा नहीं ख्याल कि ओरिजिनल पासपोर्ट की कोई जरूरत होनी चाहिए है अगर वो रिक्वायरमेंट ना होती ओरिजिनल पासपोर्ट की तो अभी उत्थे भी उन्होंने जेडे भी बाकी डॉक्यूमेंट है उन्होंने फॉलो करके असं मैं ट्राई दे सकता है लेकिन ओरिजिनल पासपोर्ट की उन्होंने रिक्वायरमेंट रखी जिंद वजह तो मेरे पास मेरे को उस टाइम नहीं आया असं वापस आ गए तो इतने उन्हें को मैं पूछा कि मेरा अगे बने लाइसेंस उत्थे का बहरीन का अगर मैं इस्लामाबाद जाके उत्थे ट्राई दे के लाइसेंस हासिल करना वा वो लाइसेंस या जरा मैं इतने ट्राई देकर हासिल करना है ये भी कोई फर्क है वे कि नहीं उन्हें आखिया कोई फर्क नहीं है एक ही लाइसेंस है अगर तुम उतों जाकर ट्राई देकर हासिल करते हो या अगर तुम इतों हासिल करते हो तो फिर मैं बेहतर ही समझ आए कि वो जरा बहरीन का अगर किसी भी दूसरी कंट्री का लाइसेंस बनया होंगे ना वो सिर्फ इतनी वैल्यू हो कि तुम्हें लर्निंग लाइसेंस जरा ना वो फटीक नहीं करनी पैंती है तो वास्ते अगर मैं वो लैना हो तो मैं इस्लामाबाद जाना पैंता सी तो इतों अगर सरगुद इतों लर्निंग मैं जिस तरह अगर गए हाँ घंटा अद्धा घंटा लगा वे तो लर्निंग मिल गया तो हम अस डायरैक्ट जाके जरा सरगुद ट्राई दे सकने तो अगुन अगला जरा पार्ट फस्ट है ड्राइविंग लाइसेंस का हूँ जिस दिन ट्राई आवेगी उस दिहाड़े ट्राई भी देन जाते इंशाला जो लीगल प्रोसीजर उन्होंने फॉलो करके तो वो भी जी भी अपडेट उत्थे हुई वो भी इंशाला शेयर की जाएगी। इस तो अलावा फरम भाई तुम कोई अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहो जनाब उ ना मुहम्मद नदीम डेटा एंट्री ऑपरेटर बहुत अच्छे आदमी ने मेरा भी जरा फीडिंग सारा सिस्टम उन्हें किया वे इस अलावा ये उन्होंने सानू नाल एक दिता वे पेज कि इतने अगर कोई बंदा ट्रेनिंग हासिल करना चाहे जिन्होंने गड्डी आमदी असली फ्रंट कैमरा ना तो मैं वैसे ऑपरेटर नाल ला देवांगा जिन्होंने गड्डी चलानी नहीं आती है वो इतने जाके इन्हें रबता करके जरा वो ट्रेनिंग भी हासिल कर सकता है दो हफ्त का वो फीस ये दसी उन्होंने 3000 रुपया फीस है 14 दिन का प्रोसीजर है तो तुम उ जाके जरा उन्होंने को ट्रेनिंग भी स्कूल तो हासिल कर सकते हो।